अगर सोचते हैं कि रैंकिंग में सुधार होने से केवल कागजों पर चीजें बदलती हैं, लोगों के जीवन में इससे ज्यादा बदलाव नहीं आता है। पहले तो आप समझ लीजिए कि ये रैंकिंग भारत के बाहर के लोग करते हैं, दुनिया की गणमान्य संस्थाएं करती है। दूसरा, रैंकिंग करने से पहले उन जिन बातों पर काम कर रहे हैं उसका भारत में जाकर के गली मोहल्ले में जाकर के जांच पड़ताल करते हैं, और इसलिए पहले जब बदलाव आता है उसके बाद रैंकिंग में बदलाव आता है, पहले जनजीवन में बदलाव आता है, व्यवस्थाएं बदलती है। और लेकिन सही मायने में कहा जाए तो रैंकिंग में सुधार होने से लोगों के जीवन में बदलाव भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। मैं आपको समझाता हूं कि चीजें बदलती कैसे हैं। पहले के मुकाबले हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बिजनेस शुरू करने और उसे चलाने की जो प्रक्रिया है, बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेकर आना है, जो भी उसकी इंडस्ट्री के लिए आवश्यक होती है, मंजूरी लेने तक पहले इतनी दिक्कत होती थी, वो सारी सरल की गई। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को 14 करोड़ से अधिक ऋण भी दिए गए हैं। वहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें भी भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2014 में भारत की इनोवेशन रैंकिंग 76 थी, जो 2018 में 57 हो गई। और बैंगलोर कर्नाटक में तो जो नौजवान है वो इनोवेशन से जुड़े हुए हैं। इनोवेशन में हुआ यह सुधार हमारे समाज में नई पीढ़ी में साफ दिखता है। पिछले 4 वर्षों में कई सारे नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं और भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत सैकड़ों स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब चल रही है और स्कूल भी एक इनोवेशन बेस्ड सोसाइटी के नींव रख रहे हैं। 2013-14 में पेटेंट्स की संख्या 4,000 थी, 2017-18 में ये बढ़कर के 13,000 से भी ज्यादा हो गई है। वहीं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की बात की जाए तो 2013-14 में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क 68,000 थे, 2016-17 में ये बढ़कर के 2.5 लाख हो गए हैं। इसी प्रकार वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भी सुधार हुआ है। 2013 में भारत की रैंकिंग 65 थी, जो 2017 में 40 हो गई। भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी सुधार हुआ है। 2013 में भारत में 70 लाख विदेशी पर्यटक आते थे, 2017-17 में जिनकी संख्या बढ़कर 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। इन उदाहरणों से साफ तौर पर पता चलता है कि जब इस तरह की रैंकिंग में सुधार होता है तो हमारे करोड़ों देशवासियों का जीवन भी बेहतर होता है।